अपनी चीज हिफाजत से रखते हैं और झोली में भीख मांगी जाती है। जब झोली लेके आदमी चलता है तो भिक्षाटन करता है कि मुझे दे दो। इसलिए जब भी संत के पास जाओ, झोली लेके जाओ और उनके चरणों में प्रणाम करो और मुझे कुछ चाहिए। जब ऐसा कर दोगे, अगर उनकी कृपा हो गई, तो जो सद 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र जिन संतों के पीछे चलते हैं, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के एक चुट्टी भर राख आपकी झोली में डाल देंगे। आपकी गरीबी कभी आपकी अमीरी, कभी गरीबी के रूप में परिणत नहीं होगी। आपका यह लौकिक और पारलौकिक लाभ आपको जीवन में मिलेगा।